हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सॉल्यूशन विद मैजिक। आज हम सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ 0.1 मोलर AgNO3 स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो कोई भी सॉल्यूशन प्रिपरेशन करने के लिए उसका मॉलिक्यूलर वेट जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा जो AgNO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 169.87 ग्राम पर मोल। अभी ये कहाँ से आया है ना, जो सिल्वर है उसका मॉलिक्यूलर वेट है 107.8682, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट है 14.0067, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 15.990। अभी इधर 3 ऑक्सीजन है तो इसीलिए इसको 3 से मल्टीप्लाई की है। अभी हम देखते हैं मोलारिटी। मोलारिटी क्या होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अभी इधर जो फॉर्मूला है एन, इधर एन बाई वी, एन क्या है ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वी है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसको लीटर में प्रेजेंट किया जाता है इसलिए ब्रैकेट में लीटर लिखे हैं। अभी हमारे एन क्या है ना, एन नंबर ऑफ मोल्स, ओ क्या होता है ना गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। हम किसी भी सॉल्यूशन प्रिपेयर जब करते हैं तो उसका कितना वेट लेना पड़ता है वो जानना ज़रूरी है, तो वही कैलकुलेट करेंगे। तो इधर जो मोलारिटी का फॉर्मूला है उसमें डब्ल्यू बाई एम एन की जगह दिए हैं एवं वॉल्यूम को लीटर में रखा है। तो बेसिक जो कैलकुलेशन होता है वो करके हमारा W इक्वल टू क्या आया है ना, मॉलिकुलर मास ऑफ AgNO3 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा जो मॉलिकुलर मास है वो 169.87, वॉल्यूम जो है वो 1 है एवं मोलारिटी 0.1। तो इस सब को कैलकुलेशन करके जो रिजल्ट आया है 16.987 ग्राम जो लेना पड़ेगा AgNO3 फॉर 1 लीटर सॉल्यूशन। थैंक यू एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।